अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक जी। आइए करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। अब व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ, हलवा पूरी के साथ। और मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। इसी तरह मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लिख क्या रहे हो? एंड नाउ इट्स लंच टाइम। लंच में बनी है आज दही बड़े बैंगन। आज मेरी अम्मी ने बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनाए थे और अपने तरीके से उन्होंने बनाया था। और वैसे भी इस मौसम में वेजिटेबल्स खाने का अपना ही मज़ा है। और आप सबके पास मौसम कैसा है? सर्दियाँ आ गई है या नहीं? हमारे पास तो बस थोड़ी थोड़ी सर्दी है, स्टार्टिंग है अभी। और ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम हमने पकोड़े मंगवा लिए थे, मिक्स पकोड़े, भजिए, मिर्च। और ये है रात का टाइम। रात को हम आए थे बंस रोड की तरफ डिनर करने के लिए। और ये आगा सिज्जी, जो कि बंस रोड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनकी सिज्जियाँ तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैंने तो काफ़ी दफ़ा ट्राई किया यहाँ का सिज्जी और चरगा, तो मैंने सोचा इस बार न्यू चीज़ ट्राई की जाए। तो मैंने सोचा यहाँ का प्लेटर हाउस चेक कर लिया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस में देखा है ये। काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ का प्लेटर ट्राई करने के लिए, तो मैंने सोचा आप सबके साथ वीडियो और रिव्यू शेयर करें। और ये देखिए प्लेटर हाउस का मेन्यू। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है प्लेटर्स की। 2%, 4%, 8%, इन सब के हिसाब से वहाँ पे प्लेटर दिया गया है। डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज हैं। और मैंने शनवारी प्लेटर का ऑर्डर दिया, जिसकी प्राइस थी 1600, जो कि 2% के लिए, लेकिन ईजिली इसे 3 to 4% खा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी क्वान्टिटी, बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी है इसकी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया खाने में। आप भी जब जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लेटर हाउस का प्लेटर। और इसके बाद रूहान को टॉयज़ चाहिए थे, तो इसके बाद हम आ गए टॉयज़ ख़रीदने के लिए रूहान के लिए। हम बाहर जाए और उसे कोई टॉय लेकर ना दे तो ये हो ही नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है टॉयज़ के लिए। सर, मुझे एक नहीं चाहिए। कितने चाहिए? बहुत सारे। बहुत सारे? हाँ। आप दिखाएं अपना फेस, मुझे दिखाएं ज़रा। मुझे नहीं चाहिए। और ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मेरा पार्सल आया था, ऑडियोनिक के एयरबड्स मैंने ऑर्डर किए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग की जाए और रिव्यूज़ शेयर की जाए इसकी। मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ शेयर किए थे यूट्यूब में, इसके बाद मैंने ऑर्डर किया ये। और स्पेशली इसकी ख़ास बात यह कि ऑफ़र और सेल चल रही थी, जैसे कि ये एयरबड्स हैं 6999 के, तो मैंने सेल में ख़रीदे हैं इसको 3200 में। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफ़र था, तो मैंने सोचा ख़रीद लीजिए। इसके बाद तो वैसे भी दोबारा से महंगे हो जाएंगे। एंड हेयर आई एम वेरी एक्साइटेड टू ओपन दिस पार्सल। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पैकेजिंग है इसकी। इन हेयरबड्स की ख़ास बात यह है कि इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंशन है इनकी क्वालिटीज़। और जिस स्पेशल क्वालिटी की वजह से मैंने इनको ऑर्डर किया है वो इनकी बैटरी लाइफ। इनकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, एक मरतबा आप चार्ज कर ले तो काफ़ी ज़्यादा चल जाती है, बार बार चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इनकी माइक क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और नॉइज़ कैंसिलेशन भी है इसमें, जैसे कि बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी कोई भी किस्म की डिस्टर्बेंस आपको महसूस नहीं होती। ये देखिए इसकी पैकेजिंग, रेड कलर तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है इनकी। और एयरबड के साथ इनकी चार्जिंग केबल भी है, आप अपने किसी भी चार्जर के साथ यूएसबी लगा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं इन्हें। और बिल्कुल मैग्नेटिक टच है इनका। और सबसे स्पेशल बात यह है कि आपको 1 ईयर वारंटी के साथ दी जाती है। कार्ड भी बॉक्स के अंदर ही है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनको यूज़ करने के लिए और आपके साथ ज़रूर आगे भी रिव्यूज़ शेयर करूँगी। अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी यूज़ किया है तो आप ज़रूर अपना रिव्यू शेयर करें कमेंट सेक्शन में।
चलिए जी आइए करते हैं अब व्लॉग की एंडिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। और आप क्या क्या देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस में, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।